ये जो आप जंग लड़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये आपका हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं ना, आप मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, आप हम सब हिंदुस्तानियों के लिए लड़ रहे हैं। मेरे पिताजी आर्मी में थे, अब रिटायर हो गए हैं, अंदर जाना नहीं, उन्होंने बहुत जंग लड़ी इस देश के लिए। मेरे माता और पिता जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। मैं पैदा हुई चेन्नई में, पढ़ी पूरे देश में, पढ़ाई खत्म करी अम्बाला में, कॉलेज करा हरियाणा में, और आज रहती हूँ दिल्ली में। और जब मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मुझसे पूछते हैं हिंदू हो मुसलमान हो, मैं कहती हूँ इंडियन हूँ, मैं सच में उसको बिलीव करती हूँ। देखिए आपकी जो प्रोटेस्ट है वो आइडियोलॉजिकल है, हम इंडिया के आइडिया के लिए लड़ रहे हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, ये याद रखिए। मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। हम सबका एक मुंह, एक नाक, दो आंख, दो कान है, किसकी हिम्मत हो सकती है कि हम लोगों को डिवाइड करें? क्या पहले कभी किसी ने डिवाइड करा? क्या किसी की हिम्मत हुई? आज क्यों? हम सबको ये पूछने की जरूरत है। आप यहाँ पे बैठे हैं और अपनी जंग लड़ रहे हैं CAA के खिलाफ, हम आपको सपोर्ट करेंगे हर तरीके से जहाँ हमसे बन पाया। मैं आज वसंत कुंज से आई हूँ, बहुत मुश्किल था गाड़ी बाहर पार्क करके चल के आई हूँ, इसीलिए नहीं आई क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई और मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। मेरे पिताजी ने बहुत जंगें लड़ी, मुझे यही सिखाया कि जब सही करो तो डरना नहीं, और आज मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे हमारी गवर्नमेंट से डर नहीं लगता। जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों के खिलाफ है, क्या वो गवर्नमेंट सही हो सकती है? वो गवर्नमेंट सही कभी नहीं हो सकती। ये हम सब लोगों की जंग है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब लोगों की जंग है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती हमारे प्राइम मिनिस्टर से? 15 मिनट में आ रहे हैं। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में घूमते हैं पर अपने खुद के देशवासियों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। कभी कहते हैं NRC होगी, कभी कहते हैं NRC नहीं होगी, CAA पास करते हैं, कभी कहते हैं NPR होगा, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि दोनों होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। क्या हमारा हक नहीं बनता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मांगने का? आज उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है, स्टूडेंट को मजबूर कर दिया है, कॉमन पब्लिक उन जैसे लोगों को मजबूर कर दिया, आप जैसे लोगों को मजबूर कर दिया है कि आप सड़क पे आके बैठ जाएं। क्या आपका कोई घर बार नहीं है? क्या मेरा घर बार नहीं है? मैं अपने घर पे नहीं बैठ सकती? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे उन्होंने मजबूर करा है, ये गलत है। हम बगावत करेंगे, मेरे साथ बोलिए, हम बगावत करेंगे और हम किसी से नहीं डरेंगे। हम ही अपने मन का हौसला है, मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जब मैं छोटी थी तो हम फोन उठाया करते थे, आर्मी में तरीका होता है फोन उठा के कॉन्वर्सेशन शुरू करने का और एंड करने का, हम बोला करते थे जय हिंद। आज ये नौबत आ गई है कि प्रूव करने के लिए कि आप हिंदुस्तानी है, देशभक्त है, आपको ये बोलना पड़ता है जय श्री राम। ये कहाँ की अकलमंदी है? मैं खत्म करूंगी एक पोएम के साथ। Thank you.
पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, डर गए हैं वो लोग हमसे। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये लोग सीएए वापस लेंगे, हम लेके रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम क्या चाहें, हम क्या चाहें, भेदभाव से आजादी, और हम लेके रहेंगे आजादी। जय।